और ये दोस्तों मेरे पीछे काजू के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं यहाँ बस्तर में। त्रिलोक, काजू के पेड़ के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये बिल्कुल ही कटहल के पेड़ जैसा होता है, आप इसके पेड़ की ऊंचाई से इसको पता लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि काजू ऊपर नहीं रहता जबकि नीचे होता है, और इसके ऊपर जो है ये काजू का बीज बोल सकते हैं और ये काजू का फल बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक रसीला जो शुरू में हरा रहता है और बाद में जो है पीला हो जाता है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और जी हाँ, काजू को जो है भूंज कर उसे फोड़ कर निकाला जाता है। और हम ढूंढते हैं कहीं पे अगर ताज़ा फल हो ये वाला जो सूख चुका है इसमें, तो अगर हमको मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। ये काजू के फल जो स्टार्टिंग स्टेज में है, ये आपको वो जो हम फल की बात कर रहे थे ये गिरा हुआ है। इसमें जो नीचे का पोर्शन है काजू है, ऊपर का पोर्शन उसका फ्रूट है। इसे भी खाते हैं कुछ लोग, काफ़ी खट्टा लगता है। आप ट्राई करेंगे त्रिलोक? अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। हमने काजू को निकाल लिया, ये देखिए यही वो चीज़ जिसे काजू निकाला जाता है। इसे हम नहीं खाएंगे क्योंकि उससे फोड़े हो जाएंगे मुंह पे। इसको खा सकते हैं आप, बहुत ही मीठा है। इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, कौन से फ्रूट जैसा है? ये बिल्कुल अलग ही फ्लेवर है, इसका फ्लेवर है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कहाँ पास से दिखाते हैं हम। इसमें हल्का सा मुंह में कसाहट हो सकती है आपको। आपको हो रही है? तो यहाँ पे पूरा काजू का जंगल ही है यहाँ पर। एक और जी हाँ, हमें एक और मिला पका हुआ काजू का। किधर है? हम सभी व्यूअर्स को दिखा देते हैं कहाँ पे है काजू का फल। सो आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि इस तरीके से काजू नीचे रहता है और उसके ऊपर उसका फल। काजू एक बीज के जैसे नीचे रहता है। सो चलो, आप उसे खाना चाहेंगे? जी हाँ, तो आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए और इस फल को ग्रहण करें। अब बीकेडी सर हमारे खाएंगे काजू। वो फूल को फल को तोड़े और खा कर उसे हमें कीड़ा। नहीं, इधर से खाओ, किनारे से खाओ। ऐसा लग रहा है सर? देखिए हमारे चारों तरफ काजू ही काजू के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे भी कच्चा वाले कोई साथ? दोस्तों कभी कच्चा काजू ना खाएं, आपको फोड़े हो सकते हैं मुंह में।